सोलन में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए जहां एक ओर कृषि विभाग किसानों को अनुदान पर बीज और कृषि औजार उपलब्ध करवा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब पशुपालन विभाग भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई योजनाएं लेकर गांव वासियों के बीच आ रहा है, जिसमें उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए उनकी टैगिंग की जा रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सक गाँव गाँव भ्रमण कर रहे हैं, वहीं अब पशुओं को चारा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों की दशा सुधारने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि प्रदेश में किसान खुशहाल हो सके। इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका सोलन के किसान बेहद लाभ उठा रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग सोलन के उपनिदेशक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सोलन के किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से एक विशेष योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें गाँव वासियों को पशु चारा दिया जा रहा है, जो गर्भवती पशुओं को अनुदान पर दिया जाएगा ताकि पशु स्वस्थ पशु को जन्म दे सके और उसमें दूध उत्पादन की क्षमता भी अधिक हो। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 50% अनुदान पर ये चारा गांववासियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश कुछ बहुत ही अच्छी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है पशुओं के लिए, जिसमें कि प्रमुखता पहली स्कीम जो है वो प्रेगनेंसी राशन जो है, पशु चारा, पशु आहार, उसमें कैटल फीड दी जाती है ऐसे पशुओं गवों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और आखिरी के 3 माह में, ताकि उनके बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो और दूध उत्पादन भी अच्छा हो, उसके लिए 50% अनुदान पे यह कैटल फीड उन्हें प्रदान की जाती है, जिसमें कि जनरल बीपीएल के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट बीपीएल फैमिलीज के लिए भी है।